क्योंकि जहाँ मुझे घर से निकलने की भी परमिशन नहीं है वहाँ पे लड़कों के साथ पढ़ना बहुत बड़ी बात थी तभी मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई आ, लगा कि प्यार हुआ दैट टाइम मुझे लगा था कि मुझे प्यार हुआ ट्रस्ट हुआ और लगा मुझे वो समझता है लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंची तब मुझे पता लगा कि उसने भी मुझसे झूठ बोला उसके पास कोई जॉब नहीं मैं बहुत रोई मैंने तीन दिन तक कुछ नहीं खाया पिया खाना पीना छोड़ दिया फिर मुझे लगा कि ऐसे कैसे चलेगी लाइफ जब सात साल ईमानदारी के साथ देने के बाद एक ऐसा दिन आया जब तो मेरे हस्बैंड को मुझमें कमियाँ नजर आने लगी मैं उनको अच्छी नहीं लगने लगी कहते तुम्हारे चेहरे पर बहुत दाग है आज जब मैं गाँव जाती हूँ तो लोग मुझे इतना सम्मान देते जो कि वही लड़की है जो घर छोड़ के भाग गई हमेशा से ही आसमानों में उड़ना चाहती थी बाइक चलाती हूँ साइकिल से पूरा इंडिया घूम चुकी हूँ मेरा नाम है तबसुम अली एक छोटे से शहर बिहार के एक छोटे से शहर में रहती हूँ मैं जहाँ पे आ, मेरे पापा सर्विस करते थे मेरे पापा रेलवे में थे और आज मैं आपको अपनी जर्नी अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाने के लिए यहाँ पे आई हूँ आज जिस गेटअप में आप मुझे देख रहे हो हमेशा से ऐसी नहीं थी मैं सलवार कुर्ता नॉर्मल ड्रेस यही सब मेरी ड्रेस थी आज लोग सोचते हैं कि मैं जीन्स और इस तरह के कपड़े पहनती हूँ तो मैं बहुत मॉडर्न हूँ नहीं आज भी मेरी सोच वैसे ही है जैसे एक नॉर्मल लड़कियों की होती है घरेलू लड़कियों की होती है लेकिन हाँ मैं इस सोच से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ इस सोच को जो एक समाज जो बांध के रखता है कि लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए ऐसा सोचना चाहिए ऐसा करना चाहिए उस बंधन को मैंने तोड़ा है लोग हमेशा सीधा चलते हैं मैं हमेशा मुझे उल्टा चलने की आदत है अब क्या स्टोरी है ये मैं बताती हूँ मैं आपको अपनी जर्नी की स्टोरी सुनाती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड है वो क्योंकि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आज तो बहुत डेवलप हो गया बट उस टाइम पर इतनी आज़ादी नहीं थी लोग एक बार फेल होते दो बार फेल होते हैं टेंथ की बोर्ड में या ट्वेल्थ की बोर्ड में तो पता नहीं उनके मन में कैसे आ जाता है कि सुसाइड कर लूँ मैंने अपनी टेंथ तीन बार में पास की है फर्स्ट टाइम जब मेरा टेंथ का बोर्ड था मेरा जो सेंटर था वो दूसरे शहर में पड़ गया और उस मंथ में रमज़ान भी पड़ गया तो मेरे फादर ने मुझे परमिशन नहीं दिया कि मैं दूसरे टाउन जा कर के एग्ज़ाम दूँ और वो भी रमज़ान जैसे महीने को छोड़ करके क्योंकि घर का, का काम कौन करता फ़र्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं दे पाई मैंने बहुत मिन्नतें की नहीं मौका मिला मुझे नेक्स्ट ईयर उतनी ज़्यादा रुचि नहीं थी बहुत मायूस हो चुकी थी मैं बट मैंने फिर से अटेम्प्ट किया एक सब्जेक्ट में फेल हो गई सब लोगों ने बोला कि कंपार्टमेंटल दे दो कंपार्टमेंटल दो पास ही तो होना है कम से कम मैट्रिक पास तो हो जाओगी मैंने कहा नहीं मैं दोबारा दूंगी मैंने अगेन थर्ड टाइम एग्जाम दिया और मैंने टेंथ फर्स्ट डिविजन से पास किया जब मैंने टेंथ पास कर लिया मुझे आगे पढ़ना था मुझे पायलट बनना था फिर डरते डरते मैंने कोशिश की कि पढ़ाई करनी है पापा से बोला तो उनको भी लगा कि बच्चे ने तीन साल में पास किया है तो इसको शौक है तो इसको पढ़ने देते हैं फिर मैंने एक और वहाँ पे बम फोड़ा कि मुझे साइंस पढ़ना है और हमारा शहर बहुत छोटा सा था जहाँ पे लड़कियों की जो कॉलेज थी वहाँ पे सिर्फ आर्ट्स पढ़ाई जाती थी और जो साइंस कॉलेज था वो वहाँ पे लड़के लड़की दोनों पढ़ते थे अब चूँकि जहाँ मुझे घर से निकलने की भी परमिशन नहीं है वहाँ पे लड़कों के साथ पढ़ना बहुत बड़ी बात थी बट शायद मेरे पापा का मूड बहुत अच्छा था मुझे परमिशन मिल गई उस पर मेरी मदर का सजेशन था कि अगर बाप ने पढ़ने की परमिशन दे दी तो बायो ले ले कम से कम डॉक्टर तो बनेगी जो हमारी सोच होती है कि लड़कियों को डॉक्टर बनना चाहिए टीचर बनना चाहिए मैंने कहा नहीं मुझे साइंस पढ़ना और मुझे मैथ से पढ़ना मैंने ट्वेल्थ पास किया मगर क्योंकि घर का भी प्रेशर होता था घर पे भी काम होता था मुझे और कॉलेज भी जाना होता था तो कुछ मार्क्स मेरे कम आए पास हो गई थी लेकिन मार्क्स कम था जो मैं चाहती थी जिस चीज़ में एडमिशन लेना नहीं हो पाया और इतने पैसे भी नहीं थे बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे दैट टाइम रेलवे की भी इतनी जॉब में इतने पैसे नहीं होते थे इतनी सैलरी नहीं होती थी और हम लोग चार बहने थे चार बहन दो भाई तो मैं बचपन से एक चीज़ सोचती थी कि मेरे पापा कहाँ से करेंगे इतने सारे खाने वाले और कमाने वाला एक बंदा तो कैसे करेंगे बट ये सोच कभी मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाई कि मैं क्या सोचती हूँ मैं अपने पापा से एक रुपया भी नहीं मांग पाती थी कि मुझे ये चाहिए मुझे पैसे दो नहीं बोल पाती थी बहुत संकोच करती थी कि कैसे करेंगे मेरे फादर नहीं हो पाएगा तो अक्सर मन में आता था कि अगर मैं कुछ कर लूं क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ बन जाऊं तो बाकी भाई बहन भी मेरे सेटल हो जाएंगे मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगी तो हर वक्त मेरे दिमाग में ये चीजें चलती रहती थी मुझे कुछ करना है मुझे कुछ करना है अपनी आइडेंटिटी बनानी है अपना नाम बनाना है तो मैंने ट्वेल्थ जो पास किया था वो पायलट के लिए किया था बट फाइनेंस की वजह से नहीं हो पाया तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ट्राई किया वहां पे भी फाइनेंस की प्रॉब्लम आई नहीं फिर मैंने निफ्ट डेली निफ्ट में एडमिशन लेने का क्योंकि ये लड़कियों वाला काम है फैशन डिजाइनिंग तो शायद मेरे घर में मुझे कोई रोकेगा नहीं वो मुझे करने देंगे बट वहाँ भी नहीं जाने देंगे क्योंकि इतने बड़े शहर जाके कैसे मैं पढ़ाई करूंगी कैसे रहूंगी अकेले मना कर दिया गया मुझे अगेन उस समय एक एड आया पेपर में कि एयर होस्टेस का वैकेंसी निकला हुआ है डरते डरते मैं वो पेपर लेके अपने फादर के पास गई मैंने कहा पापा पायलट तो नहीं बनने दिया कम से कम एयर होस्टेस की जॉब करने दीजिए पैसे नहीं लगेंगे ट्रेनिंग के पैसे मैं अरेंज कर लूंगी मुझे करने दीजिए शायद मूड अच्छा था उस दिन भी मुझे परमिशन मिल गई कि ठीक है भर दो फॉर्म मैंने बहुत अच्छे से प्यार से समझा था मैं फॉर्म भर रही हूँ आप मना तो नहीं करोगे कह रहे नहीं मना नहीं करूंगा भर दो फॉर्म फॉर्म भरा फोनिक इंटरव्यू हुआ मसूरी में हमारा ट्रेनिंग होना था मेरा सिलेक्शन हो गया अब मुझे जाना है अब मुझे अपना ट्रेनिंग के लिए जाना एक छोटे से शहर से डायरेक्ट मसूरी जाना मेरे घर में परमिशन तो थी नहीं बट किसी तरह कज़न ब्रदर को मना करके मैं और मम्मा और मेरा ब्रदर हम लोग सब जाने वाले हैं रेलवे का पास साइन करवाने के लिए पैसे नहीं लगते थे हमारे ट्रेन में जाने आने के रेलवे की फैसिलिटीज़ थी साइन करवाना था मुझे अपने फादर से कि आप साइन कर दे ताकि हम अपना टिकट बना सके हम जा सके जब हम हॉल में बैठे हैं सब परिवार के साथ और पापा को साइन करना है तो अचानक से मेरे छोटे चाचू की एंट्री होती है जैसे ही वो आते तो कहते क्या हो कहाँ जा रहा है कौन जा रहा है मैं पापा ने कहा ये जा रही है इसका सिलेक्शन हो गया तो इस ये ट्रेनिंग के लिए जा रही है चाचू कहते हैं कि ट्रेनिंग लड़कियों को इतनी दूर भेजेंगे आप, आपको पता नहीं माहौल कैसा है एयर की जॉब अच्छी नहीं होती है मैं मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरे फादर ने उसी समय मुझे मना कर दिया कि नहीं छोड़ दो नहीं जाए। मैं बहुत रोई मैंने तीन दिन तक कुछ नहीं खाया पिया खाना पीना छोड़ दिया फिर मुझे लगा कि वैसे कैसे चलेगी लाइफ मैं कुछ करना चाहती हूँ मुझे लोग करने नहीं दे रहे मैं इस, इस सब सदमे से इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई लगा कि प्यार हुआ दैट टाइम मुझे लगा था कि मुझे प्यार हुआ ट्रस्ट हुआ और लगा मुझे वो समझता है घर वालों को अगेंस्ट जा के उनकी मर्ज़ी के बिना इंटर कास्ट मैरिज मैंने की थी तो ऑब्वियस है कि घर वाले तो सपोर्ट करेंगे नहीं मैं उसके साथ दिल्ली चली गई उसने भी बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि जॉब है मुझे बीस हज़ार की सैलरी मिलती है लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंची तब मुझे पता लगा कि उसने भी मुझसे झूठ बोला उसके पास कोई जॉब नहीं था हमारे पास रहने का भी जगह नहीं था हम कहाँ रहेंगे कहाँ सोएंगे ये भी नहीं पता था मुझे लेकिन हमारे माइंड में बोला जाता है ना कि लड़की है शादी हो गई है तो हस्बैंड जैसे भी रखे आपको उसके साथ रहना है मैंने वो शादी चलाने की सात साल तक कोशिश की मेरे हस्बैंड घर से डब्बा पैक करके निकलते थे कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ मुझे लगता था वो जॉब पे गए हैं तो मगर वो कोई काम नहीं करते थे मैं भी सिर्फ ट्वेल्थ पास थी वो भी बिहार इंटरमीडिएट से हिंदी मीडियम स्कूल से मुझे वहाँ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा लेकिन मुझे ट्यूशन्स मिल गए कुछ लोग अच्छे थे वहाँ पे मुझे आ, सपोर्ट किया बिहार के ही लोग मुझे मिले उन्होंने सपोर्ट किया मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपनी गृहस्थी की शुरुआत की बट वहाँ पे जब मैं पढ़ाने जाती थी बच्चों को उनके घरों पे तो वहाँ पे मुझे झूठ भी बोलना पड़ा कि मैं ग्रेजुएट हूँ क्योंकि अगर नहीं बोलूँगी तो मुझे ट्यूशन नहीं मिलती और वहाँ सारे बच्चे सी इंग्लिश में बोलने वाले इंग्लिश पढ़ने वाले और मैं हिंदी तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी कि मैं पहले सारा प्रिपरेशन घर पे करके जाऊँ फिर उनको पढ़ाऊँ इवन कि मैंने इतनी मेहनत की वहाँ पे मैंने बच्चों को थर्ड लैंग्वेज वहाँ पे दिल्ली में चलता था जर्मन फ्रेंच ये सब तो मैं रात भर बैठ के स्टडी करती थी और नेक्स्ट डे मैं उनको जा करके पढ़ाती थी मैंने बहुत सारे चैलेंजेस बच्चों को भी पढ़ाया जो मैंटली चैलेंजेस होते थे बच्चों के जबकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन चूंकि मैं हार्ड वर्किंग थी मैं मेहनत से कभी नहीं घबराई तो मैंने वैसे वैसे चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वैसे बच्चों को पढ़ाया जिसके लिए मुझे अच्छा मेरी अर्निंग अच्छी हो गई स्ट्रगल चल रहा था किसी तरह एक साल दो साल ऐसे निकलता रहा मुझे हस्बैंड को लगता था कि वो आज नहीं तो कल कुछ करेंगे लेकिन सात साल तक सात सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मुझे बच्चे बहुत पसंद थे सोचा था कि चलो फैमिली बनाऊंगी शायद बच्चे के आने से मेरी जिंदगी चेंज होगी मगर उस पर भी मेरे हस्बैंड का कोई इंटरेस्ट नहीं था ऐसा लगा क्या कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ क्या हो रहा है मेरे साथ मैं ये सब चीज तो नहीं चाहती थी मैं तो एक अच्छी बीवी इवन तो कि मैंने अपने ससुराल वालों का भी दिल जीता उनको जो चीज़ें पसंद थी मैंने वो किया उनको पसंद था कि मैं उनके रीति रिवाज के अनुसार रहा मैं रही लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जो मेरी थी कि मुझे एक फैमिली एक परिवार अच्छा मिले सपोर्टिव मिले मुझे समझने वाला मिले मुझे वैसा कुछ उसमें दिखा नहीं फाइनली जब सात साल ईमानदारी के साथ देने के बाद एक ऐसा दिन आया जब मेरे हस्बैंड को मुझ में कमियां नजर आने लगी मैं उनको अच्छी नहीं लगने लगी कहते तुम्हारे चेहरे पे बहुत दाग है तुम सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ा सकती हो तुम और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती उनको मैं ये भी नहीं बता पाई कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ मुझे मौका तो दो लेकिन नहीं मिला फाइनली घर में मैं डिप्रेशन में रहने लगी तो मैंने उनको बोला कि ऐसा है कि अगर आपको इतनी सारी प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए मैंने स्ट्रिक्टली डिसीजन ले लिया कि मुझे अलग हो जाना है मुझे नहीं रहना है इसमें जो कि एक लड़की के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है मैं अलग हो गई वो जब मैंने अलग होने की बात की वो अलग हो गए चले गए वो मेरे लिए सबसे उस टाइम मैं बता नहीं सकती कि मेरे ऊपर क्या गुजरा था कि मैं सब कुछ छोड़ के आई थी फैमिली अपनी फैमिली अपना परिवार सब कुछ जिस आदमी के लिए आई वो मुझे बिना सोचे समझे एक पल में वो चला गया ना तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी पलट के पूछा कि तुम दोनों अलग क्यों हुए फिर मैंने सोचा कि नहीं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगी मैं मैं उनसे अलग जरूर हुई थी लेकिन हिम्मत नहीं हार अपना जो काम कर रही थी उसको कंटिन्यू किया मैं पढ़ाती रही बच्चों को और एक अपना लिविंग स्टाइल मैंने सारे कर्जे चुकाए अच्छा लिविंग अपना बनाया अब अर्निंग भी अच्छी थी फिर भी कही कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं था मुझे क्योंकि अभी भी मेरी अपनी आइडेंटिटी नहीं थी मेरे पास मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि जब मैं शादी करके गई थी उनके साथ जब दिल्ली आई थी तो हम मैंने बताया इंटर कास्ट मैरिज थी मैं मुस्लिम थी वो हिंदू थे तो वहाँ पे लोगों से बचने के लिए मैंने अपना नाम चेंज किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने अपनी आइडेंटिटी खो दी है पूरी तरह मैं तबस्सुम अली हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता मेरे नाम से मैंने अपनी वहां से फिर मैंने कहा नहीं अभी भी टाइम नहीं गया है मुझे अब फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ना है और मैं वापस पटना आई 2013 में मैं वापस पटना आई पटना आकर के मैंने यहाँ पे एन जी ओ किया यहाँ पे लोगों के साथ काम किया धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई तो जब जिनको जिनको पता लगता था कि मैंने लव मैरिज की थी और मेरा सक्सेस नहीं हुआ तो अजीब तरीके से मुझे देखते थे बोलते थे बट मुझे कभी मुझे लगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है शादी तो अरेंज मैरिज भी टूटती है लव मैरिज टूट गई तो क्या बात हो गई वहाँ पे तो सब लोग एक दूसरे को देख करके समझ करके करते हैं मेरे में हिम्मत थी मेरे में वो गट्स था कि मैं ऐसे रिलेशनशिप में ना रहूं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है और वैसे लोग जो इस तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं उनको ये चीज़ ये मैं ट्रांसफ़र कर कर सकूँ कि शादी करना या प्यार करना गलती नहीं है आप वो करिए जो आप चाहते हो उसके बाद मैंने वही सब किया जो मैं चाहती थी मैं माउंटेनियरिंग करना चाहती थी माउंटेनियरिंग की आज मुझे आप तबस्सुम अली के नाम से जानते हैं मेरे हर आप गूगल पे मुझे सर्च कर सकते हैं आज मैं बाइक चलाती हूँ जो कि हमारे फैमिली में किसी लड़की ने बाइक नहीं चलाया आज जब मैं गाँव जाती हूँ तो लोग मुझे इतना सम्मान देते जो कि वही लड़की है जो घर छोड़ के भाग गई थी जो जिसको लोग इतनी गलत नज़र से देखते थे कि एक मुसलमान ने जाके एक हिंदू से शादी कर ली ये तो गलत हो गई ये तो खराब हो गई लड़की आज वही लड़की हूँ लोग मुझे अपने यहाँ बुलाते हैं एज अ गेस्ट बुलाते हैं मुझे सम्मान देते हैं मुझे एज अ स्पीकर बुलाते हैं क्योंकि आज मैं उन महिलाओं के लिए लड़ती हूँ जिनके साथ इस तरह की घटनाएं होती है जिनके साथ आ, उनके हस्बैंड छोड़ देते हैं या ससुराल वाले उनके साथ उनके लिए फाइट करती हूँ आज मैंने पूरी तरह खुद को समाज को समर्पित कर दिया है मैं समाज में वैसी महिलाओं के लिए काम करती हूँ जो जिंदगी से हार चुकी हूँ मैंने इन्हीं महिलाओं के साथ एक अपना स्टार्टअप भी शुरू किया है जिसमें ऐसी महिलाओं को जोड़ा है जिनकी अर्निंग नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर महिलाएं इंडिपेंडेंट होगी अगर उनके हाथ में खुद के पैसे होंगे उनके अपने पैसे होंगे तो वो अपनी डिसीज़न ले सकेगी और ये हम महिलाओं को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए हमारी सोच हमारा डिसीज़न कितना वैल्यू रखता है यहाँ पे एक बहुत एक छोटी सी बात बता के मैं अपनी बातों को ख़त्म करूंगी कि एक टाइम ऐसा था कि हमें मुझे घर से बाहर निकलने के लिए भी पूछना पड़ता था लेकिन आज अगर मैंने उन बंधनों को नहीं तोड़ा होता नहीं गई होती अपने डिसीजन खुद लेने नहीं शुरू किए होते ठीक है गलतियां की मैंने लेकिन मैंने उसकी जिम्मेदारी भी ली वो गट्स भी था मेरे अंदर उस जिम्मेदारी को लेने का तो लड़कियों को ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने डिसीजन लेने हमें क्या करना ये हमारा मर्जी हमारी मर्जी है हमें डिसाइड करना हमारे लिए कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि हमें क्या करना है तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी डिसीजन खुद लें और आगे बढ़े सक्सेस आपको जरूर मिले इट इज सेट दैट वेन यू एजुकेटेड वुमेन यू एजुकेट एन इंटायर जनरेशन नारी सशक्तिकरण पर यह पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफी प्रेरणा भी मिली ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की जिन्होंने सी एस करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है चाहे कितनी भी मुश्किलें आए कितनी भी प्रॉब्लम्स आए अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता हाँ अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी नीला प्रणाली आरती और उषा जी ने मिल के स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट फाइनेंस बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन एक सेफ स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ

तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर